किस्म ब्रायलर गोश्त हासिल करने के लिए पाली जाती हैं। इनकी खसूसियत ये है कि ये 6 हफ्तों में 3 किलोग्राम खुश्क खुराक खाकर 1.5 किलोग्राम वजन हासिल कर लेती हैं। मुर्गियों की परवरिश के दौरान इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बिछाली की देखभाल। फर्श पर तकरीबन 2 इंच मोटी बिछाली की तह बिछाएं। पहले से इस्तेमाल शुदा बिछाली दोबारा इस्तेमाल न करें। बिछाली के तौर पर ज्यादातर लकड़ी का बुरादा, हमेशा कच्ची लकड़ी का इस्तेमाल करें। गीली बिछाली से परहेज करना चाहिए, ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। पानी की जगह। ब्रोडिंग के दौरान 0 से 3 हफ्ते 1 पानी का बर्तन फी 50 चूजे। ब्रोडिंग के बाद 2 से 4 हफ्ते 0.75 इंच 1 पानी का बर्तन फी 30 चूजे। गर्मियों के मौसम में पानी के बर्तनों की तादाद बढ़ा दें। खुराक की जगह। 5 हफ्ते की उम्र तक 2 इंच फी मुर्गी। गोल बर्तनों पर ज्यादा मुर्गियां रखी जा सकती हैं। रोशनी। ब्रायलर्स की बेहतर परवरिश के लिए 24 घंटे रोशनी की जरूरत होती है। 40 वाट का एक बल्ब 200 मुरब्बा फुट जगह के लिए काफी है। हिफाजती टीके। 7 दिन की उम्र में रानीखेत आंख में कतरा डालें। 11 दिन की उम्र में गंबोरो आंख में कतरा डालें। 16 से 18 दिन हाइड्रोपेरिकार्डियम आधा सीसी फी जानवर। 22 दिन की उम्र में गंबोरो पानी में मिला दें। 25 दिन में रानीखेत आधा सीसी। ब्रोडिंग उस वक्त तक के लिए होती है जब तक चूजों को मस्नूई दर्जा हरारत की जरूरत ना हो। ब्रायलर की ब्रोडिंग पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है क्योंकि ये नाजुक होता है। ब्रोडिंग के दौरान अहम बीमारियां। ब्रोडिंग के दौरान आमतौर पर ब्रायलर को इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जर्दी का जज्ब न होना, सफेद दस्त, नमकियात का जहरीलापन, खूनी पेचिश। ब्रायलर की कम पैदावार के असबाब और तदारुक। विरासती असर। ब्रायलर हमेशा ऐसे खरीदने चाहिए जिनके माँ बाप अच्छी खसूसियात के मालिक हों, यानी वो तेजी से बढ़ें, बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत रखते हों, इनकी जिल्द और परों के रंग मुनासिब हों और वो खुराक को अच्छी तरह जुज़्वी बदन बनाने की सलाहियत रखते हों। ये सारी खसूसियात माँ बाप से औलाद में मुंतकिल होती हैं। माहौलियाती असर। ब्रोडिंग के कमरे की सफाई बेहद जरूरी है। 2 या 3 हफ्तों के बाद एक दफा बीठों को साफ करना जरूरी है ताकि बीमारियों के जरासीम फैलने न पाएं। नए चूजे रखने से पहले हर बार कमरे की मुनासिब सफाई और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे बहुत जरूरी है। बीमार मरे हुए चूजों और परों को मुनासिब तरीके से दबा देना चाहिए या इस तरह जाया करें कि बाद में नुकसानदेह साबित न हो और बीमारियां फैलाने का सबब न बने। चूजों की मुनासिब सेहत के लिए सूरज की रोशनी का कमरे में आना भी बेहद जरूरी है। दर्जे हरारत। दर्जे हरारत ज्यादा होने से मुर्गियों में पानी की कमी हो जाती है, जानवर खुराक खाना छोड़ देता है और उनका वजन कम हो जाता है। इलावा अजीं मुर्गियां पानी ज्यादा पीती हैं और उनके फुजलात में भी पानी ज्यादा होता है। दर्जे हरारत हमेशा मुनासिब होना चाहिए। दर्जा हरारत कम होने से मुर्गियां अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए ज्यादा खुराक खाती हैं और निमोनिया होने के मौके बढ़ जाते हैं। सर्दियों की रातों में खिड़कियों पर पर्दे लगाने चाहिए ताकि ठंडी हवा कमरे में न आ सके। हवा में नमी का तनासुब। हवा में नमी का तनासुब हमेशा 65% होना चाहिए। कम या ज्यादा नमी के तनासुब से जानवरों की नशोनुमा असरअंदाज होती है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से बिछाली गीली रहेगी। हवा में नमी का तनासुब कम होने से बिछाली में मिट्टी होगी और सांस की बीमारियां फैलेंगी। हवा की आमदोरफ्त। ब्रोडिंग के कमरे से नमी, नुकसानदेह गैसों और गर्मी के अखराज के लिए हवा की मुतवातर आमदोरफ्त बहुत जरूरी है ताकि चूजों को सांस लेने के लिए ताजा हवा मिल सके। हवा की मुनासिब रफ्तार एक चूजे के लिए 1 मिनट में 0.1 मुकाब फुट है। बाहर से आने वाली हवा को गर्म करने के लिए कमरे का दर्जा हरारत, जो आमतौर पर 75 से 80 डिग्री फारेनहाइट होता है, इससे कुछ ज्यादा रखना बेहतर है। फार्मर आमतौर पर ब्रूडर हाउस में सर्दियों में मतलूबा दर्जा हरारत हासिल करने के लिए पर्दे लगाकर शेड को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। इससे हवा की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। फर्शी जगह। फर्शी जगह काम करने से चूजों में शरह अमवात में इजाफा और नशोनुमा कम हो जाती है। मुर्गियां खुराक कम खाती हैं और एक दूसरे को काटने लगती हैं। पहले 4 हफ्तों तक चूजों को 6 मुरब्बा इंच और इसके बाद 1 मुरब्बा फुट फी ब्रॉयलर जगह देनी चाहिए। सर्दियों में ये जगह 10% के हिसाब से कम की जा सकती है।
जहरीली गैसें। पोल्ट्री फार्म पर बहुत सी गैसें अगर ज्यादा मिकदार में पाई जाएं तो खतरनाक होती हैं, जिससे शरह अमवात में इजाफा होता है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया वगैरह। अगर गैस ज्यादा हो जाए तो इससे बचने के लिए इमारत में हवा की आमदोरफ्त बढ़ा दें। खुराक की अकसाम। मुर्गियों की खुराक मुख्तलिफ किस्मों में दस्तियाब है, जो कि मैश, पैलेट और क्रम्बल कहलाती है। बीमारियों की रोकथाम। पहले हफ्ते में जर्दी जज्ब ना होना और पीछाबंद की बीमारी हो सकती है। पहले हफ्ते में चूजों को शक्कर का शरबत पिलाएं। इसके अलावा पहले ही हफ्ते से इन्हें वसी अस रखने वाली अद्वियात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन के लिए देना शुरू करें। तीसरे हफ्ते में खूनी पेचिश का हमला हो सकता है। तीसरे हफ्ते से इन्हें खूनी पेचिश के खिलाफ मुदाफियत पैदा करने के लिए अद्वियात दें। नजले का हमला किसी भी वक्त हो सकता है, इसके लिए गीली बिछाली से परहेज करें। तमाम वैक्सीन अपने इलाके के शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर करें। ब्रायलर की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि लेयर की निस्बत इसमें बीमारी का ज्यादा अंदेशा होता है। ब्रायलर की आमद से पहले कमरे की तैयारी। ब्रायलर के आने से पहले सफाई के बाद कम से कम 15 दिन के लिए कमरे को खुला छोड़ दें, ताकि तमाम जरासीम खत्म हो जाएं। सबसे पहले कमरे के किसी कोने या दरमियानी हिस्से का इंतखाब करें, जहां कमरे में सीधी हवा न आए। इस हिस्से की सफाई के बाद इसमें लकड़ी का बुरादा 2 इंच ऊंचा बिछा दें और जगह की पैमाइश 0.5 मुरब्बा फुट के हिसाब से कर लें। इस जगह के इर्द गिर्द हिफाजती कार्डबोर्ड यानी चेक कार्ड लगा दें, ताकि चूजे इससे बाहर न जा सके और उन्हें मुनासिब दर्जा हरारत मिले। 7-8 दिन बाद इसे उठा दें। ब्रायलर की बीमारियां। अंडे देने वाले मुर्गियों वाली बीमारियां ब्रायलर में भी हमला कर सकती हैं। मसलन रानीखेत, खूनी पेचिश, जर्दी का जज्ब न होना, दस्त, जहरीली खुराक, नमकियात का जहरीलापन, नजला, जुकाम वगैरह। गुम्बोरो। ये बड़ी नुकसानदेह और शदीद किस्म की मुतअद्दी बीमारी है। आमतौर पर 1 से 6 हफ्ते के दौरान चूजे इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस मरज का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसके हमले के नतीजे में चूजे के वो अंदरूनी गुदूद जाया या गैर मौसर हो जाते हैं, जो जिस्म में अमराज के खिलाफ तहफ्फुज की तहरीक पैदा करते हैं। लिहाजा इस मरज के बाद फ्लॉप में दीगर अमराज मसल रानीखेत, खूनी पेचिश और मैरिक्स वगैरह के लिए राहें खुल जाती हैं और फार्मर हजरात को मुतवातर मसाइल का सामना करना पड़ता है। अलामात। चूंकि इस बीमारी की अलामात अचानक जाहिर होती हैं, इसलिए मुतासरा चूजे अचानक सुस्त और कमजोर नजर आना शुरू हो जाते हैं। चूजों के पिछले पर गुबार आलूद हो जाते हैं। चूजों को सर्दी महसूस होती है और वो कमरों के कोनों में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बाद चूजों पर कपकपी तारी हो जाती है। चूजों को सफेद दस्त शुरू हो जाते हैं। सफेद दस्तों का लेसदार मादा मकद के गिर्द चिमट जाता है। इलाज। चूंकि ये मरज वायरस की वजह से होता है, इसलिए इस बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन तरीकों पर अमल किया जाए तो अच्छे नतायज बरामद होंगे। अगर गम्बोरे की वैक्सीन के लिए 15 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं और बीमारी का हमला हो गया है, तो वैक्सीन दोबारा कर दी जाए। इससे वो तमाम चूजे जो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं वो मर जाएंगे और बाकी जो बचेंगे उनमें बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाएगी। चूजे के जिस्म का दर्जा हरारत कम करने के लिए APC पैरासीटामोल की 1 गोली 1 लीटर पानी में या कैल्पोल शरबत का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर दिया जाए। बाजार से कोई भी एंटीबायोटिक मसलन ट्रिब्रिसन, TM-200 वगैरह लेकर चूजों को दी जाए, ताकि वो दूसरी बीमारियों से बचे रहें। वाइटामिन्स भी चूजों को खुराक या पानी में मिलाकर दें। ज्यादा ताकतवर राशन दिया जाए, 50 हिस्से मकई, 25 हिस्से गंदम और 25 हिस्से चावल, 8 किलो खुश्क दूध 100 किलो राशन के लिए। डब्बे की हिदायत के मुताबिक वाइटामिन्स। चूजों को चंद दिनों के लिए ये राशन तैयार करके दें। मुर्गियों का नजला जुकाम और खांसी। मुर्गियों में नजला जुकाम और खांसी अलहदा अलहदा अमराज हैं। इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ होती हैं। इनमें मुतादी नजला और सांस का देरीना मरज, जरसूमों की बदौलत और मुतादी खांसी एक वायरस की बदौलत पैदा होती है। ये तीनों अमराज मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। रानीखेत। रानीखेत एक इंतहाई मुतादी और मुहलिक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। रानीखेत की आम अलामात में सांस में मुश्किल, लंगड़ापन, टांगों का फॉलिज, गर्दनों का मुड़ जाना शामिल हैं। रानीखेत की बीमारी से बचाव के लिए एक निहायत मुअस्सर टीका मौजूद है। बीमार मुर्गियों को टीका लगाने का कोई फायदा नहीं।
टीके के एक एम्प्यूल में खुश्क दवा होती है वो 100 मुर्गियों के लिए काफी होती है। इस एम्प्यूल को हर वक्त थर्मस में बर्फ के अंदर रखना चाहिए और धूप से बचाना चाहिए। टीका तैयार करने की तरकीब। एक साफ बोतल में कशीदशुदा पानी 100 सीसी डालें और बर्फ में लगाएं और सूरज की रोशनी से बचाकर रखें। दवा की ट्यूब का सर एहतियात से तोड़ें और उसमें तकरीबन 1 सीसी यख बस्ता कशीदशुदा पानी सिरिंज से डालें। सिरिंज में निकाली हुई हर शुदा दवाई बर्फ में लगी हुई बोतल में डालें और अच्छी तरह हिलाकर मिला लें। दवा की खाली ट्यूब में बोतल में से 1 सीसी ठंडा पानी दोबारा डालकर फिर उस बोतल में डालें। इस तरह तमाम दवाई बोतल में हल कर लें। ये महलूल 2 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल का तरीका। पहला टीका 7 दिन की उम्र के चूजों को बीमारी से बचाने के लिए 100 सीसी यख बस्ता कशीद शुदा पानी में दवाई मिलाकर एक एक कतरा हर चूजे की नाक या आंख में डालें। दूसरा टीका 1 माह के चूजों को निसफ सीसी फीकस के हिसाब से सीने के गोश्त में लगाएं। मुदाफियत का अरसा। टीका लगाने के 1 हफ्ते बाद परिंदे बीमारी से महफूज हो जाते हैं और बीमारी के हमले को बर्दाश्त कर लेते हैं। वैक्सीन का एम्प्यूल अगर थर्मोस में ले जाया जाए और बर्फ में रहे तो तारीख मियाद तक कार आमद रह सकता है। हाइड्रोपेरिकार्डियम। इस बीमारी में दिल और दिल की झिल्ली के दरमियान पानी भर जाता है। बीमारी की हसासियत। ब्रायलर गोश्त पैदा करने वाले परिंदे खासतौर पर हसास होते हैं। बाज़ौकात ब्रीडर यानी अंडे देने वाली मुर्गियों में भी पाई जाती है। बीमारी फैलाने वाले अज्जा। परिंदों की ज्यादा हसास उम्र 3 से 5 हफ्तों के दरमियान है। इस बीमारी के फैलाव के लिए कोई जिनसी इम्तियाज नहीं। खास मुयन जगह में गुंजाइश से ज्यादा परिंदे रखना। मुख्तलिफ बीमारियों का परिंदों में मौजूद होना। सफाई की खराब हालत और जहर आलूद खुराक का इस्तेमाल इस बीमारी का सबब बन सकते हैं। बैरूनी अलामात। खाकी से लेकर चमकदार पीले रंग के बीठे। अचानक मौत लेकिन बीमारी की अलामत का ना होना। परिंदों में याकान की अलामत का मौजूद होना। तीसरे हफ्ते पर अचानक मौत जो कि 4th हफ्ते तक बढ़ती ही जाएगी और 5वें हफ्ते तक जाकर कुछ कम हो जाएगी। वैक्सीनेशन। इस बीमारी का सिवाय टीके के कोई इलाज नहीं। 15 से 17 दिन की उम्र पर जिल्द के नीचे या पट्टे में टीका लगाना चाहिए। पट्टे में लगाना ज्यादा सूदमंद है। इसकी खुराक 8 सीसी है। इलाज। यरकान की सख्ती को कम करने के लिए कुछ न कुछ इलाज भी जरूर होना चाहिए। खुराक की चिकनाई और लहमियात वाले अज्जा कम कर देने चाहिए। पानी में ग्लूकोज डालकर देना चाहिए। परिंदों को किसी भी खुर्दनी जेंट्स के दाने डाले जा सकते हैं। जैटीपार सिरप 2 चाय के चम्मच फी गैलन पानी में इस्तेमाल करें। रोकथाम। परिंदों को जहर आलूद खुराक हरगिज न दें। मुर्गी खाना मुकम्मल तौर पर साफ और जरासीम से पाक होना चाहिए। नए परिंदे डालने से पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। फार्मेलिन को जरासीम कुश दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमार परिंदों को मुकम्मल तौर पर अलहदा रखा जाए। मुख्तलिफ उम्र के परिंदों को अलहदा रखा जाए। अगर बीमारी दोबारा आ जाए तो कोई खास इलाज नहीं। वैक्सीनेशन यानी टीका किसी हद तक मददगार हो सकता है। दोबारा टीका उस वक्त लगाना चाहिए जब पिछले टीके को लगे हुए 10 से 15 दिन गुजर चुके हों। इसके अलावा किसी भी किस्म के जरई मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800-844-2000 पर पीर ताजुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।